एडीजी जोन अखिल कुमार ने गुरुवार को हरिओम चौराहा से रेलवे स्टेशन गोलघर होते हुए अंबेडकर चौक बेतियाहाता तक पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों से वार्ता कर सुरक्षा व्यवस्था का फीडबैक भी लिया। गुरुवार की देर शाम एडीजी जोन अखिल कुमार हरिओम चौराहा से पैदल भ्रमण पर निकले। वहां से एडीजी जोन रेलवे स्टेशन गोलघर हरिओम चौराहा होते अंबेडकर चौक तक पैदल ही गश्त किया और सुरक्षा व्यवस्था की बारीकियों को परखते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, इसी पे है ना? जी सर, याद आने लगा। अरे नहीं, आपका अनुभव मैं समझ गया। हाँ, कैंट क्षेत्र में आज हम लोग ने निकले हैं और बेसिकली वही है, शाम में फुट पेट्रोलिंग का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जनता संवाद करने का। आज हरिओम तिराह होते हुए रोडवेज यूनिवर्सिटी चिराह चौराह होते हुए रेलवेज से और गणेश चौराह होते हुए वापस जा रहे हैं। तो इस बातचीत भी हुई है रास्ते में? हाँ, तो तमाम लोगों से जैसे हमेशा मुलाकात करते हैं, वार्ता करते हैं। एक छात्रा से मुलाकात की गई, होमगार्ड्स मिले थे, उनसे पूछताछ की गई कि कोई परेशानी तो नहीं है। रेलवे स्टेशन के आसपास एक आरक्षी भी मिल गया था, तो उसको भी उससे भी पूछताछ करी थी कि वो क्या कर रहा नहीं कर रहा। तो इस तरह करते हुए पूछताछ करते हुए वापस के तो नित्य दिन हम लोग कर ही रहे हैं।